नमस्ते गाइस। सो जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था मेरी पहली वीडियो में कि आपको मैं प्रोटीन पाउडर बनाना सिखाऊंगा घर पे, तो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज अपना प्रोटीन पाउडर का वीडियो कब लेके आ रहे हो कब लेके आ रहे हो। और एक हमारा स्पेशल सब्सक्राइबर है अंकुर, वो तो रोज बोलता है कि भाई आप कब लेके आ रहे हो प्रोटीन पाउडर का। और तो चलिए आज शुरू करते हैं, मैं अपना प्रोटीन पाउडर कैसे बनाता हूँ सारे इंग्रेडिएंट, और चलिए शुरू करते हैं। हमारा होममेड प्रोटीन पाउडर कुछ इस तरह दिखेगा अपनी फाइनल स्टेज में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे होममेड प्रोटीन पाउडर के लिए वो है आलमंड्स, बादाम, आपने सही सुना। तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है मैं अपनी स्क्रीन पे डाल दूंगा, ये इस प्रकार है। तो जो हमारी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे होममेड प्रोटीन पाउडर के लिए वो है कैशू, काजू बोलते हैं इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में, और आपको ये कोई भी जनरल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस प्रकार, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो अब चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के लिए। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक रोस्टेड चना, ये आपको कोई भी किराने शॉप जनरल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और बस एक कटोरी चना, आलमंड्स और कैशू हमें रिक्वायर्ड होगा इस प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए। हमारी तीनों इंग्रेडिएंट रेडी है अपनी प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए। हम चाहे तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, हम गेहूं डाल सकते हैं या फिर रोस्टेड पीनट्स आते हैं वो भी अपने प्रोटीन पाउडर में डाल सकते हैं। तो हम पहले करेंगे आलमंड्स को मिक्सी में ग्राइंड, और इसे हमें बस 5 मिनट्स करना है जब तक ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में ना हो जाए। तो हम अपना सेफ्टी लेड लगा देते हैं मिक्सर का और स्टार्ट करते हैं। और मेक श्योर अगर आपको अच्छे से देखना है आपको कि आपका आलमंड या फिर जो भी आप ग्राइंड कर रहे हैं अच्छे से ग्राइंड हुआ है कि नहीं। तो अब ये ग्राइंड हो चुका है और आलमंड्स, तो हम एक जगह इसको रख लेंगे। और नेक्स्ट हम ग्राइंड करेंगे कैशू को, इसको भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें ग्राइंड करना है हमें। और ये सेफ्टी लिड लगा लेते हैं हम, इसे भी पाउडर फॉर्म में हमने कर लिया है। तो अभी हम उसमें ही डाल देते हैं जिसमें हमने अपना आलमंड्स डाले थे, बादाम डाले थे जिसमें। और नेक्स्ट बारी है रोस्टेड चना की, इसको भी हम पाउडर फॉर्म में बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। और फिर इन तीनों को एक ही जगह एक ही कंटेनर में डाल के मिक्स करने के लिए रख देंगे अभी। और एक स्पैचुला या फिर कोई भी चम्मच के हेल्प से हम इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे बिल्कुल, दोनों जो तीनों हमारे इंग्रेडिएंट हैं एक जैसे मिलने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आलमंड्स एक जगह अलग ही हैं, क्योंकि फिर उसे टेस्ट में बहुत ख़राबी हो जाएगी। तो हमारे ये तीनों मिक्स हो चुके हैं, फिर हम एक कंटेनर लेंगे अपना, कोई भी बॉक्स कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसमें आप इसे स्टोर करके रखना चाहें। और ये बहुत इजीली ही बन जाता है और बहुत अच्छा रहता है। और आप ये प्रोटीन पाउडर को दिन में 2 बार ले सकते हैं अपने दूध के साथ या फिर बनाना शेक में। मैंने बनाना शेक की एक वीडियो बनाई है, मास गेनर शेक, उसमें यही प्रोटीन पाउडर यूज़ किया है। सो उसे देखना ना भूलें, एंड प्लीज़ गिव वीडियो अ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।